हेलो फ्रेंड, आज मैं आपको ऐसे कंपोनेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ जो केवल कमिंस इंजन में ही लगता है और किसी इंजन में नहीं लगता, जिसका नाम है शट डाउन वाल्व और कुछ लोग इसे जो है शट अप वाल्व भी बोलते हैं। इस वाल्व का क्या फंक्शन है, ये कैसे वर्क करता है, ये मैं आपको टोटल डिटेल बता दूँगा और इसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम आती है उसके बारे में भी हम आपसे डिस्कस करेंगे। हाय फ्रेंड, अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि हमारा शट डाउन वाल्व कैसे काम करता है। इसके अंदर जो है चार कंपोनेंट होते हैं। एक तो होता है शट डाउन कॉइल, जो 24 वोल्ट डीसी करंट से जो है ये एक्चुएट होता है। जिस समय हम चाबी से ऑन करते हैं उस समय इसमें 24 वोल्ट की डीसी वोल्ट आता है, उस केस में ये कॉइल जो है इनर्जाइज हो जाती है और इनर्जाइज होने पर जो है हमारा स्प्रिंग और वाल्व सोलेनॉइड ये दोनों जो है इस कॉइल से चिपक जाते हैं। जब चिपक जाते हैं तो हमारा जो शटडाउन का जो हाउसिंग है वहाँ पे जो ऑयल की गैलरी है वो ओपन हो जाती है, उसी के थ्रू हमारा डीजल जो है ऊपर जाना चालू हो जाता है और वो इंजेक्टर में जाता है, जिसकी वजह से वो इंजन स्टार्ट हो जाता है। और अब इसका मैं पूरी आपको डिटेल बताना चाह रहे हैं, क्योंकि जिस समय हम इंजन स्टार्ट करते हैं चाबी को मान करते हैं तो 24 वोल्ट डीसी करंट जो है ये कॉइल पे जाता है और जो डीजल इंजन जब रनिंग पे आता है उस केस में हमारा डीजल जो है पंप के थ्रू होकर शट डाउन वाल्व के पास आता है। और उस केस में जब ये हमारा शट डाउन वाल्व जो है शट डाउन कॉइल से जब चिपक जाता है तो हमारी गैलरी ओपन हो जाती है, तो उस साइड से डीजल होते हुए जो है हमारा शट डाउन वाल्व से ऊपर जाता है, ऊपर जाके वो इंजेक्टर में चला जाए और हमारा इंजन जो है स्टार्ट हो जाता है। अब हमें ये देखना है कि हमारे इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आती है। अगर जिस समय जैसे अगर हमने इंजन स्टार्ट किया और इंजन स्टार्ट नहीं, केवल क्रैंकिंग होता है इंजन स्टार्ट नहीं होता, उस केस में क्या होता है कि हमारा ये शट डाउन कॉइल जो है वो इनर्जाइज नहीं हो पाता। इसका मतलब अगर वो ख़राब हो जाएगा तो इनर्जाइज नहीं होगा, जिसकी वजह से हमारा सोलेनॉइड वाल्व वो अपनी तरफ खींचेगा नहीं, ना ही वो चिपकेगा, तो डीजल का स्पेस जो है हमारा ओपन नहीं होता। जब डीजल का स्पेस ओपन नहीं होगा उस केस में हमारा इंजन स्टार्ट नहीं होता। और इस केस को इमरजेंसी में अगर हमें चालू करना है तो शट डाउन वाल्व में शट डाउन वाल्व असेंबली में जो है एक हमारा नाब होता है, उसको जब हम क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो जो सोलेनॉइड वाल्व जो होता है वो हमारा पीछे की तरफ चलता चला जाता है। पीछे का मतलब है कि जो हमारा शट डाउन कॉइल है कॉइल की तरफ हम उसको मैकेनिकल उसको पीछे कर देते हैं, जब पीछे कर देते हैं तो हमारा डीजल जो है स्पेस ओपन हो जाता है, उस केस में हमारा इंजन स्टार्ट होता है। लेकिन इसको जब हम चाबी के थ्रू अगर बंद करेंगे तो ये हमारा बंद नहीं होगा, उस केस में फिर हमें उस नाब को जो है एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तब जाके वो इंजन हमारा स्टार्ट बंद हो जाएगा, नहीं तो ये बंद नहीं होगा। और एक होता है जो हमारा ये सोलेनॉइड वाल्व का जो डिस्क है, डिस्क हमारा ओरिंग शील्डेड होता है। कभी कभी क्या होता है कुछ मेटल पार्टिकल जो पंप के थ्रू निकलते हैं अगर वो हमारे डिस्क वाल्व पे अगर चिपक गए तो उस केस में जब हम इंजन ऑफ तो कर देते हैं लेकिन उधर से स्लाइटली हमारी डीजल जो है लीकेज करता रहता है और उस लीकेज की वजह से जो इंजन हमारा कंटिन्यूअस एक दो मिनट चलता रहता है, वो बंद नहीं होता। उस केस में क्या होता है कि हम उस डिस्क वाल्व को निकाल कर उसको साफ़ करते हैं, अगर उसके वो जो शील्डेड ओरिंग है अगर उस पर कोई स्क्रैच नहीं आया तो उसे हम साफ़ करके लगा देते तो हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर उसमें अधिक स्क्रैचेज है उस केस में हम उस डिस्क वाल्व को ही बदल देते हैं और यही पोजीशन हमारा स्टार्टिंग में भी होता है। अगर कॉइल हमारा इनर्जाइज नहीं हुआ तो उस केस में भी हम जो है केवल जो है शट डाउन कॉइल को जो ही हम रिप्लेस कर देते हैं और रिप्लेस कर देते तो हमारा इंजन स्टार्ट होने लगता है, उससे कोई दिक्कत है। अगर सर आपको हमारा ये चैनल पसंद आया हो तो कृपया इसको सब्सक्राइब लाइक कीजिए, अगर हो सके तो इसे शेयर भी कीजिए। थैंक यू।